लाल जूते। एक समय की बात है, बहुत दूर एक देश में कैरन नाम की एक बहुत ही प्यारी लड़की रहती थी। वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी और बहुत ही खुश मिजाज लड़की थी। वो अपनी माँ से वो सब कुछ पूछती थी जिसके बारे में वो जानना चाहती थी। माँ, आकाश में ये छोटी छोटी बत्तियाँ क्या हैं? वे सितारे हैं कैरन। पृथ्वी पर रहने वाला हर व्यक्ति आखिर में एक तारे में बदल जाता है और हमेशा के लिए आकाश में चमकता है। कैरन के पास केवल एक खिलौना था, एक जोड़ी कपड़े और एक जोड़ी लकड़ी की चप्पलों की थी जो वो सड़क पर पहनकर घूमा करती थी। उसकी माँ ने उसके लिए जो लकड़ी की चप्पलें बनाई वे आरामदायक नहीं थी, लेकिन उसके पास केवल वही थी। एक दिन कैरन की माँ बहुत बीमार हो गई, इसलिए कैरन अपनी माँ के लिए दवा खरीदने के लिए शहर गई और रास्ते में उसे सड़क किनारे एक डिब्बे में लाल जूतों का एक जोड़ा मिला। जूते इतनी खूबसूरती से चमक रहे थे कि कैरन उन्हें अपने साथ घर ले आई। देखो माँ, मुझे इस सड़क के किनारे मिले, कितने सुंदर है ना ये, जैसे मेरे लिए ही बने हो। ये किसी और के हो सकते हैं कैरन, तुम्हें उन्हें तुरंत वापस दे आना चाहिए। पर अगर उनका मालिक होता तो वो उन्हें बॉक्स के साथ ऐसे थोड़े ही छोड़ता। हो सकता है ये मालिक से गलती से गिर गए हों, तो उसे इन्हें ऐसे नहीं गिराना चाहिए था। मैंने इन्हें ढूंढा है, अब ये मेरे जूते हैं। बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो, हो सकता है मैं अभी तुम्हारे लिए नए जूते ना खरीद पाऊँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम किसी दूसरे के जूते सिर्फ इस वजह से पहनो। प्लीज जिद्दी मत बनो, वादा करो कि तुम ये लाल जूते नहीं पहनोगी। कैरन ने दुखी होकर अपनी माँ से लाल जूते न पहनने का वादा किया और उन्हें अपने बिस्तर के नीचे छिपा दिया। महीनों बीत गए। एक दिन जब तक कैरन घर आई और उसे अपनी माँ घर में कहीं नहीं मिली, उसने घर में हर जगह देखा, जब तक कि उसे एहसास नहीं हुआ कि उसकी माँ आकाश में एक चमकीला तारा बन गई है। अगले दिन अपनी माँ के अंतिम संस्कार के लिए जाते समय कैरन ने वही लाल जूते पहने। अंतिम संस्कार में आए लोग कैरन के जूतों से नजरें नहीं हटा सके। इतना अनादर, इस लड़की ने अंतिम संस्कार में लाल जूते पहने। लेकिन कैरन ने परवाह नहीं की क्योंकि उसे अपने जूते बहुत पसंद थे। तभी एक नेक दिल बूढ़ी औरत कब्रिस्तान के पास से गुजर रही थी। इस बूढ़ी औरत को पता चला कि ये छोटी बच्ची अब अनाथ हो गई है। उसने उसे गोद लेने की इच्छा जाहिर की। मेरे साथ आओ सुंदर लड़की, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम बड़ी होकर सुंदर और सफल औरत बनो। इसलिए कैरन कई वर्षों तक बूढ़ी औरत के साथ रहने के लिए चली गई। कैरन, आपने अपनी माँ के अंतिम संस्कार के बाद से ये जूते पहन रखे हैं, अब आप इन्हें उतार दें, ये बहुत गंदे हो चुके हैं। नहीं, मुझे अपने लाल जूते पसंद हैं। ओह कैरन, इतनी जिद्दी मत बनो, चलो अपने जूते बदलो, मैं और अच्छे जूते खरीद दूंगी, मैं वादा करती हूँ। कैरन उस बूढ़ी औरत को नाराज नहीं करना चाहती थी जिसने उसे गोद लेने की दयालुता दिखाई थी, इसलिए उसने आखिरकार अपने लाल जूते उतार दिए और उन्हें फेंक दिया। कुछ दिन बीते। एक दिन कैरन अपने नए कमरे में नए कपड़े और खिलौनों के साथ खेल रही थी और बूढ़ी औरत उसके लिए नई जोड़ी जूते ले आई, लेकिन कैरन को ये जूते बिल्कुल पसंद नहीं आए। लेकिन ये नीले हैं, बहुत भद्दे, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आने वाले कई वर्षों तक कैरन अपने लाल जूतों को बहुत याद करके रोती रहती। वो बड़ी होकर एक खूबसूरत युवती बन गई, लेकिन उसका जिद्दी रवैया कभी नहीं बदला, यहाँ तक कि जब बूढ़ी औरत उसके लिए तोहफे लाती तो भी नहीं। मैं ये सब नहीं पहनती। लेकिन मैंने इसे तुम्हारे लिए बुना है। मैं ये खाना कभी नहीं खाऊंगी, मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बनाओ। कम से कम एक टुकड़ा खाकर तो देख लो बेटी। बूढ़ी औरत कैरन के जिद्दी और नकचढ़े रवैये से बहुत थक गई थी, लेकिन फिर भी उसने उसके लिए फ्रेंच फ्राइज बनाई। जैसे ही वो अंदर आई, कैरन नीले जूते उतार रही थी जिनके लिए वो अब बड़ी हो चुकी थी। देखो,
मेरी सारी चीजें अब छोटी हो गई हैं। मैं बड़ी हो गई हूँ। कोई बात नहीं, तो चलो तुम्हारे लिए नए कपड़े और नए जूते खरीदते हैं बेटा। फिर बुढ़िया और कैरन दुकान पर गए। ओह, देखो मेरे पसंदीदा लाल जूतों की तरह, ये तो मेरे पास होने ही चाहिए। कैरन, आपको फैंसी लाल जूतों की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे जूते पहनने चाहिए जिन्हें पहनकर तुम अच्छी लगो, किसी के अंतिम संस्कार में भी पहन सको। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक जोड़ी जूते खरीद सकती हूँ। चलो उन काले वालों को खरीदते हैं और घर चलते हैं। मुझे परवाह नहीं है, अगर तुम दोनों जोड़ी जूते नहीं खरीदोगी तो मैं अब से हर जगह नंगे पाँव जाऊंगी। ओ छोटी लड़की, काश तुम इतनी जिद्दी ना होती। बूढ़ी औरत ने कैरन के लिए काले जूते खरीदे और अपने आखिरी पैसों को उसे खुश करने के लिए लाल जूते खरीदने में खर्च दिया। उन्हें अब पैदल ही घर जाना पड़ा। रास्ते में बुढ़िया के पैरों में बहुत दर्द होता रहा और वो बिगड़ी हुई कैरन को सहन नहीं कर पा रही थी। पर कैरन को कोई परवाह नहीं थी, वो अपने नए लाल जूतों के साथ घर गई। एक दिन बुढ़िया ने कैरन से कहा कि उन्हें शहर में एक अंतिम संस्कार में शामिल होना है। कैरन, तुम्हें अपने काले जूते ही पहनने हैं, नहीं तो अंतिम संस्कार में बेइज्जती होगी। कैरन ने अपने कमरे में काले जूतों की ओर देखा और फिर चमकीले लाल जूतों को, और उसने लाल जूते पहनना चुना। जब वे घर से निकले तो उसने उन्हें अपनी स्कर्ट से ढक दिया ताकि बूढ़ी औरत को जूते दिखाई ना दें। हालांकि अंतिम संस्कार में सभी ने कैरन के जूते उसकी स्कर्ट के नीचे चमकते हुए देख लिए थे। उन्होंने अंतिम संस्कार में कैरन के लाल जूतों के बारे में कानाफूसी की कि ऐसे मौके पर ऐसे जूते पहनना कितनी शर्म की बात है। ये बात जब बुढ़िया के कान में पड़ी तो उसे बहुत गुस्सा आया। तुमने मेरी बात नहीं मानी और फिर से लाल जूते पहन लिए। तुम बहुत जिद्दी हो कैरन, कुछ तो अकल की बात करो, हमेशा बेइज्जती करवाती हो। उसी समय वहां से गुजर रहा एक सुंदर नौजवान कैरन की सुंदरता पर मोहित हो गया। वो उसके पास आया और अपने घुटनों के बल बैठ गया और उसे प्रणाम किया। तुम कितनी सुंदर हो और इन जूतों में और भी खूबसूरत लग रही हो। आह मेरे प्रिय, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप बहुत अच्छा नाचती होंगी, मैं आज रात आपको महल की डांस नाइट में आमंत्रित करता हूँ, जरूर आइएगा। राजकुमार की पेशकश की खुशी के साथ कैरन खुशी से नाचने लगी, लेकिन कुछ देर बाद कैरन डांस करना बंद नहीं कर पाई। ओह, मैं अपने पैरों को रोक क्यों नहीं पा रही हूँ, क्या हो रहा है। ओह, कैरन डांस करते करते बूढ़ी औरत और राजकुमार से दूर चलने लगी। कैरन, वापस आ जाओ। भले ही राजकुमार ने कुछ समय के लिए कैरन का पीछा किया, पर वो बहुत दूर निकल गई। कैरन के लाल जूते कैरन से भी अधिक जिद्दी निकले। वे उसे पहाड़ की चोटी तक ले गए और 3 दिन तक दिन रात उसे नचाते रहे। कैरन के पैरों में इतनी चोटें लग गई थी कि वो पैर रखते हुए भी दर्द से चिल्लाती थी। कीचड़ में फंसने के बावजूद और कांटेदार सुइयां चुभने के बावजूद जूते नाचते रहे। बस हो गया, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अब से इतनी जिद नहीं करूंगी, मैं वादा करती हूँ, प्लीज रुक जाओ जूतों, प्लीज रुक जाओ, रुक जाओ। और जब कैरन ने कहा कि वो अपनी सारी जिदें छोड़ देगी, लाल जूते उसके पैरों से कूद गए और कैरन भी जमीन पर गिर गई और लाल जूते उसके बिना भी नाचते रहे। कैरन को एक छड़ी मिली और वो दर्द से लंगड़ाते हुए किसी तरह घर पहुंची। उसकी टांगों में बहुत दर्द हो रहा था। अपना घर देखकर वो खुशी से रोने लगी। बूढ़ी औरत ने दरवाजे पर उसका स्वागत किया। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। मैं जानती हूँ मैं बहुत जिद्दी लड़की थी, लेकिन मैं वादा करती हूँ अब मैं वैसी नहीं रहूंगी।
कैरन की जिद छोड़ने के बाद चीजें बेहतर होने लगी। एक दिन किसी ने दरवाजा खटखटाया। वो कोई और नहीं, वही युवा और सुंदर राजकुमार था। ओ, तुम यहाँ हो कैरन, मैंने तुम्हें पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम बहुत तेज नाचती हो, तुम्हें कैसे कर लेती हो? कैरन सुंदर और नौजवान राजकुमार को देखकर खुश हो गई। उस दिन से दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। कैरन ने जिद को पीछे छोड़ते हुए एक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत किया।